record as frequently as possible. Hi you guys, welcome back or welcome to my channel. If you're new, I am Maryam Mumtaz and I make beauty, fashion and lifestyle related videos here on my channel. So, aaj ke din, I am gonna take you to this very beautiful place. हम पटना की फर्स्ट आर्ट गैलरी में आपका स्वागत करते हैं एंड आई एम गोना शो यू हाउ ईच एंड एवरीथिंग इज इनसाइड देयर. सो द नेम ऑफ दिस आर्ट गैलरी व्हिच इज आई माइट रिमाइंड यू ये बिहार की फर्स्ट आर्ट गैलरी है और इस गैलरी का नाम है नलिनी क्रिएशन. All the COVID protocols were being followed. I was given the hand sanitizer and my temperature was checked. So now, finally, let's see what we have here. So guys, हम लोग finally gallery के अंदर आ चुके हैं और आप सब देख ही सकते हैं. It is so colorful. Can you see कितने variety के paintings and कितना colorful है ये पूरा area. और ये अगली तरह की पेंटिंग है जिसे बोला जाता है फार्ट पेंटिंग और इनके बारे में भी हम जरा सा कुछ जानेंगे. ये भी एक राजस्थानी पैटर्न पे बनाया जाता है. राजस्थानी पैटर्न के जरिए बनाकर इसको एक राजस्थानी व्यू दिया जाता है. सो गाइस, हम गैलरी के इस सेक्शन में खड़े हैं जहाँ पे बहुत तरह की पेंटिंग्स हैं, जैसे कि राजस्थानी पेंटिंग है और मॉडर्न आर्ट भी है. एंड मैं आपको मेरी सबसे फेवरेट पेंटिंग दिखाना चाहूंगी एंड हियर इट इज द मॉडर्न आर्ट फॉर्म. एंड कैन यू सी हाउ ब्यूटिफुली इट हैज बीन मेड, ऑल द गोल्ड स्टफ एंड एवरीथिंग. ओ माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटिफुल. Modern art, as you can see, and I would like to highlight two most beautiful and very unique art forms. And this is the resin painting, as you can see. And these are done with some chemicals, and then they are blown with a hair dryer. So these effects that you see, ये layers type की जो चीजें आपको दिख रही हैं, that is done with the help of hair dryer. And also, these particles are put above the painting after doing the hair dryer thing, and you can see these are just coming out of the painting and they look so beautiful and they look like it is coming out. So you can see. So guys, jaisa ki aap sab yahan se dekh sakte hain, ye wali painting ye ek tarah ki madhubani painting hai jise hum godna painting bolte hain, and it is so beautifully done. And can you see how the white and the black color, they complement each other and they are popping out. Okay, और उसके बाद ये, this is known as the clay art. This is made with clay. And here, this one, ये है मंडाला पेंटिंग. So guys, ये जो पेंटिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं, इस पेंटिंग को कोहबर पेंटिंग बोलते हैं.
एंड एज यू कैन सी इस पेंटिंग के जरिए एक शादी की कैसे रस्में होती हैं वो दिखाई गई हैं। अभी तक हमने इतनी सारी वैरायटी की पेंटिंग्स देखी एंड लेट्स जंप ऑन टू अ न्यू एंड ब्यूटीफुल स्टाइल ऑफ पेंटिंग एंड दिस वन इज द वुडन पेंटिंग। Now, as you can see here, you can literally tell that these all figures, they are coming out. And can you see the detailing? These all these tiny details, ye sab haath ki karigari hai. And this is done with, you know, such patience and using their own hands. So it is so beautiful and such a hard work. And here also, these are the forms of, you know, different kinds of woodwork. And can you see the बारीकी देख रहे? इट इज सो ब्यूटिफुल एंड इट इज सच अ टीडियस टास्क टू डू ऑल दीज काइंड ऑफ वर्क। सो गाइस, हम बिहार की फर्स्ट आर्ट गैलरी में तो आ ही गए, बट अगर बिहार की स्पेशलिटी के बारे में बात नहीं की तो फिर क्या किया? विद दैट बीइंग सेड, आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट द मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ आर्ट हियर इन बिहार व्हिच इज पॉपुलराइज्ड इन द होल वर्ल्ड इज द मधुबनी पेंटिंग। And here you can see I'm sitting in the section of that particular Madhubani painting. So अब हम यहाँ के आर्टिस्ट से जानने वाले हैं इन पेंटिंग्स की क्या खासियत है, इन्हें बनाने में कितना टाइम लगता है और ये कितना टफ काम है। Come on guys. अब मैं इस गैलरी के वन ऑफ द आर्टिस्ट के साथ खड़ी हूँ और अब हम इनसे पूछने वाले हैं कि मधुबनी पेंटिंग के आर्ट के पीछे क्या हार्ड वर्क है और क्या चीजें जाती हैं। So ये मधुबनी पेंटिंग बनाने में कितना टाइम लगता है? ये डिपेंड करता है कि मधुबनी पेंटिंग साइज कितनी बड़ी है। 10 दिन भी लगते हैं, 1 सप्ताह लगते हैं, 4 दिन, 5 दिन, ये सब साइज पर डिपेंड करता है। तो इस मधुबनी पेंटिंग की खासियत क्या है, मतलब इनमें ऐसा क्या है जो कि ये इतनी डिस्टिंग्विश है और पेंटिंग से? जैसे कि मधुबनी पेंटिंग में कचनी और भरनी काम होते हैं और बॉर्डर जो लाइनिंग करते हैं वो उसको कचनी बोलते हैं और जो कलर भरा उसको भरनी बोलते हैं। और इसमें खूबसूरत जो चटक कलर यूज किए जाते हैं मधुबनी पेंटिंग में ताकि वो खूबसूरत लगे। सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्ट एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग है, फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वनसेल्फ है, सेम वे ये जो मधुबनी पेंटिंग्स होती हैं इनमें हम कोई ना कोई स्टोरी जरूर देख लेते हैं और ये उन्हीं स्टोरीज पे बेस्ड ये पेंटिंग्स बनाई जाती है। हर छोटी चीज आपको बारीकी से इन पेंटिंग्स में डिपिक्ट। गाइज, यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग्स जो लगी हुई है ये अलग अलग आर्टिस्ट की मधुबनी पेंटिंग्स हैं, जिनमें से बहुत फेमस आर्टिस्ट की भी है, जैसे कि ये वाली पेंटिंग, ये पद्मश्री अवार्ड विनर बहुआ देवी की बनाई हुई पेंटिंग्स है। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग इज बीइंग मेड बाय हर। दैट इज ऑल द अदर काइंड्स ऑफ पेंटिंग्स बाय डिफरेंट आर्टिस्ट। हम जिस सेक्शन में खड़े हैं, दिस सेक्शन इज फिल्ड विद राजस्थानी पेंटिंग्स। यहाँ पे हर तरह की राजस्थानी पेंटिंग्स आपको दिखाई देंगी, जिसमें से जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाली पेंटिंग, इट हैज बीन मेड ऑन अ सिल्क क्लॉथ, ये सिल्क के कपड़े के ऊपर ये पेंटिंग की गई है। ये वाली पेंटिंग कॉटन के कपड़े के ऊपर की गई है। एंड यू सी दिस वन इज मेड ऑन अ कैनवस। सारी पेंटिंग्स जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है ये पेंटिंग्स प्लेट पे बनाई गई है। तो गाइस, अब मैं आपको इस रूम में लेके जाने वाली हूँ जहाँ पे ये सारा मैजिक एक्चुअली बनता है। तो चलिए, आइए हम इस रूम में चलते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं ऑल दीज काइंड ऑफ सीनरी पेंटिंग्स। यू कैन सी दे आर सो ह्यूज, कैन यू जस्ट इमेजिन कितनी मेहनत लगती होगी इन्हें बनाने में। द रूम जहाँ जनरली सारी पेंटिंग्स बनाई जाती है, so this is the area of creation of these beautiful paintings. जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, इस particular rack में बहुत तरह की paintings रखी गई हैं। कुछ प्लेट पे बनी हुई है, कुछ इनमें से वुड वर्क है और कुछ मार्बल पे भी है। सो लेट मी शो यू वन। जैसा कि आप इस पेंटिंग में देख सकते हैं, ये पेंटिंग मार्बल पे की गई है एंड ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग इंग्रेव्ड इनटू द मार्बल। सो डोंट यू थिंक दिस इज द परफेक्ट ऑप्शन टू गिफ्ट टू समवन? All these paintings can be, you know, given as a gift, as a token of love. So guys, मैंने आपको आर्ट गैलरी घुमा तो दी, अब let's tell you about the basics and many more informations about this art gallery. So इस आर्ट गैलरी में अभी तक हमने जितनी भी तरह की पेंटिंग्स देखी हैं, क्या वो सिर्फ एक ही आर्टिस्ट की पेंटिंग्स है या फिर और भी बहुत आर्टिस्ट हैं? नहीं, यहाँ पे हर पेंटिंग का एक अलग आर्टिस्ट है, जो कि हर एक पेंटिंग का वो फेमस आर्टिस्ट होते हैं जो कि उसमें फाइन काम करते हैं।
मधुबनी के लिए अलग आर्टिस्ट होते हैं, राजस्थानी के लिए अलग आर्टिस्ट होते हैं, तंजौर के लिए अलग आर्टिस्ट होते हैं, उडेन के लिए अलग आर्टिस्ट होते हैं, एंड पोर्ट्रेट वगैरह भी बनता है उसका एक अलग आर्टिस्ट होता है। यहाँ की जो ऑनर है उनका नाम नंदी प्रकाश है, वो भी एक फेमस आर्टिस्ट है, उनका पेंटिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। और मैं तो सजेस्ट करूंगी आप लोग यहाँ जरूर आए और जरूर इस ब्यूटीफुल एरिया का मजा उठाएं और अपने दिल को बस खुश कर लें अलग अलग फॉर्म ऑफ आर्ट देख कर। और यहाँ पे हर प्राइसिंग की आपको आर्ट्स मिलेंगी एंड द बेस्ट थिंग इज दैट यहाँ पे अप टू 50% ऑफ चल रहा है। सो इफ यू कम हियर बाय नाउ देन यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन सम ब्यूटीफुल पेंटिंग्स फॉर योर होम और टू गिफ्ट टू योर लव्ड वंस। So that is it for today's video. I really hope that you liked the video. So I would meet you in my next video. Bye guys.